हेलो गाइस, दिस इज नीरू तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस और लेके आई हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे उससे आगे के कुछ क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक होगा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। इस टॉपिक से हम बाल विकास के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल एनर्जी मिले और भी ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करने के लिए एंड अपलोड करने के लिए आपके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। यूपी सुपर टेट और टेट, सी टेट, एस टेट और अदर एग्जाम्स जिनमें बाल विकास आता है, मतलब जिस भी एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है तो शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शरीर के विकास से संबंधित होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है और व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। स्वाभाविक मतलब उसका शारीरिक जो विकास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। पहला कथन है यह एक मात्रात्मक पहलू है वृद्धि। दूसरा कथन है यह मापने योग्य नहीं है। तीसरा कथन है जीवन पर्यंत नहीं है। वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो हम वृद्धि के बारे में बात करें तो यह मापने योग्य नहीं है। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक गतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती। वृद्धि के निम्नलिखित विशेषता है, कौन सा कथन नहीं है। तो हमारा कथन नहीं है यह मापने, वृद्धि को हम मापते, विकास को हम माप नहीं सकते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इसकी एक लिमिटेड एज होती है जब तक ये चलती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृद्धि के बारे में क्या सही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि वृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या सही नहीं है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मैं अभी कह रही हूँ, अभी कहा मैंने आपसे कि जो अभिवृद्धि है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। ये इनका एक निश्चित समय होता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। ये वृद्धि होना जैसे हम लोगों की हाइट है, मतलब इनका जो हाइट की जो ग्रोथ है वो एक समय तक बढ़ती है। अगर लाइफ टाइम बढ़ती होती तो क्या होता, इसलिए ये एक निश्चित समय तक चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट है, मानव विकास क्षेत्र को निम्नलिखित में से विभाजित किया जाता है। जो मानव का विकास है उसको क्षेत्र को किस तरीके से विभाजित किया जाता है। इसमें ऑप्शन है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो हमारा आंसर यही है कि जो मनुष्य का विकास है उसको इस तरीके से वर्गीकरण किया गया उसका कि शारीरिक विकास, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, फिर सामाजिक विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विकास का अर्थ क्या है। विकास और वृद्धि में अंतर है, दोनों एक दूसरे के से मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन को उत्तरोत्तर श्रृंखला, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब लगातार कॉन्स्टेंट परिवर्तन चल रहे हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्व एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो परिपक्वता एवं अनुभव, हम जो मेच्योरिटी आती है हमारे अंदर, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाली जो चेंजेस होते हैं वो कहलाते हैं विकास हमारा, ठीक है ना। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि, बस यही होगा कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट कभी भी बढ़ सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने समय तक बढ़ेगा फिर नहीं बढ़ेगा, तो वजन में वृद्धि ही आ जाता है हमारा। मानव विकास कैसा है, मात्रात्मक गुणात्मक या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों या कुछ सीमा तक अमापनीय है, मतलब माप सकते हैं इसको या हम इसके गुणों को जान सकते हैं या कहीं तक हम इसको माप नहीं सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है मानव विकास। नेक्स्ट है फ्रेंड, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, क्या सीखता है परिपक्वता में, कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो परिपक्वता का सबसे पहला उदाहरण है चलना। हम सबसे पहले जब हम स्टैंड होते हैं, गिरते हैं, डरते हैं,
फिर जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मेच्योर लगने लगता है कि अब चल सकते हैं, तो ये चलना चलना हमारा परिपक्वता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय क्या है? मतलब सामान्य परिपक्व, यानी हम अभी मेच्योरिटी हमें आई नहीं है, उसके बाद भी हम एक प्रशिक्षण कर रहे हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना पहराया क्या होता है? लाभकारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर नहीं करता। मतलब डिफरेंट नहीं कर सकते हम कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या इससे हमें लॉस होगा, कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया। मतलब प्रशिक्षण देते टाइम हमने कौन से ट्रिक्स को अपनाया है, इस पे डिपेंड, इससे ये हम डिसाइड नहीं कर सकती कि ये प्रशिक्षण हमारे लिए लाभकारी होगा या हानिकारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है, जिसमें बालक है ना मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। तो परिपक्वता का संबंध हमारा विकास से है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभावित समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, जो संभावित मतलब संभागी एक ही क्लास के जो ग्रुपिंग होता है उसमें प्राथमिक ध्यान किस पर आधारित होता है? ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, या छात्र के अनुराग यानी उनका इंटरेस्ट के स्तर पर होता है? तो इसका आंसर हमारा होगा आयु स्तर पर। किस पे आधारित होता है? आयु स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है? हमारे यहाँ का पर्यावरण यानी वातावरण, हमारा स्वास्थ्य, आहार, सभी, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है, 5 वर्ष तक की अवस्था को, 21 वर्ष की अवस्था को, या 12 वर्ष की। तो वैसे कुछ लोग जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था मानते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी अवस्था हमें दी गई है 5 वर्ष की। तो हम जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है तो 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। तो 5 वर्ष तक तो नहीं होगी बाल्यावस्था, हमारा 12 वर्ष तक ही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, या 1 जन्म से 1 वर्ष। तो इसका हमारा आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बी सेफ एंड बी हैप्पी।